दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक क्लिक करते ही इंटरनेट के माध्यम से कोई भी मैसेज या गाना या वीडियो आपके स्क्रीन पे पहुंच जाता है? कभी सोचा है ये इंटरनेट आखिर काम कैसे करता है और ये इंटरनेट का मालिक कौन है, कौन चलाता है इसको? तो चलिए आज विस्तार से इसी के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजेबल बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। प्रोफेसर, ये इंटरनेट आखिर क्या होता है, ये काम कैसे करता है? इंटरनेट का मतलब है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जो हर डिवाइस का, मतलब मोबाइल, कंप्यूटर, राउटर, सर्वर, ये सब डिवाइस का नेटवर्क है। मतलब एक जाल बिछाया हुआ है। नेटवर्क का काम है डिवाइस को एक दूसरे से जोड़ना और आपस में एक दूसरे का डेटा लेन देन करना। ये डेटा क्या होता है प्रोफेसर? डेटा का मतलब डिजिटली जो भी इंफॉर्मेशन डिवाइस स्टोर करता है वो डिजिटल दुनिया में डेटा होता है। जैसे हम कैमरा से कुछ शूट करते हैं तो वो शूट किया हुआ वीडियोस या फोटोस वो किसी डिवाइस में स्टोर करते हैं तो वो डेटा हो गया, या किसी माइक्रोफोन से साउंड रिकॉर्ड किया और उसे किसी डिवाइस में स्टोर किया तो वो भी एक डेटा हो गया। लेकिन प्रोफेसर, हमारा फोन में जो डेटा स्टोर हुआ है, इंटरनेट उसे कैसे दूसरे के डिवाइस में भेजते हैं? इंटरनेट आखिर काम कैसे करता है? ओके, इसे ठीक से समझते हैं। डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजने के लिए बीच में एक मीडिएटर डिवाइस काम करता है और उसे कहते हैं सर्वर। तो इस इंटरनेट के माध्यम से जो भी डाटा ट्रांसफर होगा वो पहले जाके सर्वर में स्टोर होगा, और ये सर्वर भी एक तरीके का डिवाइस ही है, और जिसका जैसा डिमांड होता है उस हिसाब से सर्वर उस डेटा को या तो स्टोर करता है या तो सप्लाई करता है। जैसे हम अगर इंटरनेट पे कुछ अपलोड किया तो वो डाटा कोई एक सर्वर में जाके स्टोर होता है, और जब कोई वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करता है तो सर्वर उस डिवाइस तक उस डेटा को पहुंचाता है। इतने सारे डेटा स्टोर करने के लिए ये सर्वर कहाँ पे होता है? ये सारे सर्वर होता है डेटा सेंटर में। अलग अलग कंपनी का डेटा सेंटर होता है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन और भी कई है। लेकिन हर वेबसाइट कंपनी डेटा सेंटर नहीं बनाता है, क्योंकि ये सब छोटे वेबसाइट कंपनी होते हैं। तो ये सब वेबसाइट कंपनी कोई ना कोई डेटा सेंटर की मदद से अपनी वेबसाइट चलाता है। लेकिन ये सारे डेटा सेंटर की कंपनी तो अमेरिका में है, तो हम जब कुछ अपलोड करते हैं तो वो डेटा उस सर्वर तक पहुंचता कैसे है, और वो डेटा सर्वर फिर दुनिया के हर कोने में कैसे सप्लाई करता है? क्या सैटेलाइट के माध्यम से ये सारे काम होता है? नहीं, पर ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि ये सारे डेटा सैटेलाइट के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। सैटेलाइट पृथ्वी से 22,000 मील दूर है। कोई भी डेटा को वहाँ तक भेजना और फिर सैटेलाइट को यहाँ के टावर तक भेजने के लिए कुल 44,000 मील की सफ़र तय करना पड़ेगा, और इससे स्पीड बहुत ही स्लो हो जाएगा और इंटरनेट इस प्रोसेस से काम नहीं कर पाएगा। असल में ये डेटा ऑप्टिकल फाइबर केबल के एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से डिवाइस में पहुंचता है, जो डेटा सेंटर और हमारे डिवाइस के बीच जुड़ा हुआ है। पूरे दुनिया में इस फाइबर केबल का जाल बिछाया हुआ है। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है? दुनिया में ज़्यादातर केबल कॉपर केबल होता है और उससे विद्युत पहुँचाया जाता है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल से डेटा को लाइट सिग्नल के जरिए भेजा जाता है, क्योंकि लाइट की स्पीड दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और इसीलिए इस फॉर्मेट से भेजने से लगभग उसी स्पीड से डेटा पहुंचता है, और इसीलिए कोई लिंक पे क्लिक करते ही कोई भी डेटा तुरंत हमारे स्क्रीन पे आ जाता है। अब इसको देखिए, इसके एक एक वायर एक एक बाल के बराबर होता है, और इस एक एक वायर के अंदर 100 Gbps के स्पीड होता है। दुनिया में जहाँ भी इंटरनेट है वहाँ ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुँचाया गया है, और जहाँ ये केबल नहीं है वहाँ इंटरनेट भी नहीं है। लेकिन वो केबल कहाँ पे है, हमें तो दिखाई नहीं देते। हम तो ऐसे सिम डालते हैं, डाटा पैक डालते हैं और इंटरनेट चलाते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल किसी ना किसी तरीके से हमारे डिवाइस से जुड़ा हुआ होता है, नहीं तो हम इंटरनेट चला ही नहीं पाएंगे। तो चलो इसको थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं। हमारे डिवाइस तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए समुंदर के नीचे से कुछ TR कंपनी है, जो पूरी दुनिया में ऑप्टिकल केबल बिछाने का काम करता है, जो कंट्री टू कंट्री कनेक्ट करता है। फिर समुंदर से जब जमीन पे आता है तो अंडरग्राउंड से केबल को बिछाया जाता है और एक सिटी से दूसरे सिटी तक कनेक्ट किया जाता है, और वो हर सिटी के एक एक एरिया तक केबल को बिछाया जाता है, और इसी केबल के थ्रू डेटा सर्वर तक पहुंचता है या सर्वर से डिवाइस तक पहुंचता है। अब जैसे हम किसी लिंक पे क्लिक किया तो सर्वर को वो डेटा को उस डिवाइस तक पहुंचाने का परमिशन मिलता है, और सर्वर केबल के माध्यम से वो डेटा को भेजना शुरू करता है, और वो डेटा लगभग लाइट की स्पीड से हजारों माइल का सफर करता है, और इस सफर में वो डेटा कई पहाड़, समुंदर और मिट्टी के नीचे से जाता है, और जाके वो एक राउटर से जुड़ते हैं, और राउटर उस लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रो सिग्नल में परिवर्तन करता है, और एक इथरनेट केबल के माध्यम से उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को हमारे कंप्यूटर तक पहुंचाता है। लेकिन प्रोफेसर, हमारे मोबाइल में तो कोई केबल लगा नहीं होता है, तो हम इंटरनेट कैसे चलाते हैं?
इस तरह इंटरनेट चलाने के लिए पहले उस ऑप्टिकल केबल को उस सेल टावर पर भेजना पड़ता है और सेल टावर से सिग्नल आपका सेल फोन तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में पहुंचता है। लेकिन प्रोफेसर, समुद्र के नीचे से ये केबल को कैसे बिछाया जाता है? ये कुछ इस तरह से किया जाता है। ये पूरा काम एक विशेष जहाज से किया जाता है। जहाज से एक हल को समुद्र में गिराया जाता है और वो हल वहाँ खाई बनाता है और इस खाई में ऑप्टिकल केबल को रखा जाता है। ये तो समझ गया कि जितने भी डेटा है ये ऑप्टिकल केबल के थ्रू सर्वर से डिवाइस तक पहुंचता है। लेकिन और एक चीज़ बताइए, ये सर्वर को कैसे पता होगा कि कौन सा डेटा कौन सा डिवाइस में भेजना होता है? इसके लिए यूज होता है आईपी एड्रेस। इसे पोस्टल सर्विस से समझते हैं। डेटा भी हमारे फोन तक वैसे ही पहुंचता है जैसे हमारे घर में पोस्ट से चिट्ठी आता है। जिस तरह हमारे घर का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसकी मदद से पोस्टमैन हमारे घर तक चिट्ठियां पहुंचा देता है, वैसे ही इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस का भी एक यूनिक एड्रेस होता है। वो चाहे राउटर का हो, मोबाइल का हो, सर्वर का हो या कंप्यूटर का हो, हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है और उसी को आईपी एड्रेस बोला जाता है, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। और ये आईपी एड्रेस नंबरों में होता है, जैसे हमारा मोबाइल के नंबर होते हैं ऐसे ही इसमें भी, जैसे 101.172. ऐसे ही काफ़ी नंबरों में ये आईपी एड्रेस होता है और इतने सारे नंबर हमें याद रखना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उस आईपी एड्रेस का एक डोमेन नेम दिया जाता है। जैसे कोई वेबसाइट का नाम होता है उसे डोमेन नेम कहा जाता है, जैसे www.youtube.com या www.facebook.com। ऐसे ही जैसे फ़ोन नंबर याद ना रखने के कारण से हम उसे कोई नाम से सेव करते हैं और जैसे ही हम उस डोमेन नेम पे क्लिक करते हैं वेब ब्राउजर या मोबाइल एप्लीकेशन उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस खोजने लग जाता है। और जैसे हम फोन बुक पे हर फोन नंबर को कोई नाम से सेव करके रखते हैं, वैसे ही इंटरनेट का भी डोमेन नेम और आईपी एड्रेस का भी एक फोन बुक होता है जिसे कहते हैं DNS, मतलब डोमेन नेम सिस्टम। और इस DNS को संचालन करने का काम करता है आइकन नाम की एक संस्था। अब DNS सर्वर की मदद से हमारा वेब ब्राउजर उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस ढूंढ निकालता है और हमारे रिक्वेस्ट उस वेबसाइट के सर्वर तक पहुंचा देते हैं और इस तरीके से हम उस सर्वर से डेटा का लेन देन करते हैं। अब जब कोई डेटा सर्वर से निकलकर दूसरे डिवाइस पर जाने के लिए निकलता है तब 0 और 1 नंबर के विशाल कलेक्शन के रूप में भेजा जाता है। और इतने बड़े डेटा को एक साथ भेजने के लिए दिक्कत ना हो, इसीलिए इस 0 और 1 को छोटे छोटे टुकड़े किया जाता है जिसे पैकेट और ट्रांसमिटेड रूप में जाना जाता है। अब इस 0 और 1 के इस स्ट्रीम को अलग अलग पैकेज में डिवाइड किया जाता है जहां हर पैकेट में 6 बीट्स होता है। डेटा के बीट्स के साथ हर एक पैकेट में सीक्वेंस नंबर और आईपी एड्रेस भी होता है। अब इस जानकारी के साथ हर पैकेट हमारे फ़ोन की तरफ भेजा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर पैकेट को एक ही रूट से भेजा जाए। जिस पैकेट को जो रूट आसानी से मिलेगा वो पैकेट उसी रूट से निकल जाता है। अब जब सारे पैकेट हमारे फ़ोन के एड्रेस में पहुंच जाएंगे तब पैकेट को उनके सीक्वेंस नंबर के हिसाब से रीअसेंबल्ड किया जाएगा और हमारे स्क्रीन में वो डेटा आ जाएगा। प्रोफेसर, तब तो ये डेटा फ्री होता है तो हमसे इतना पैसा क्यों लिया जाता है? डेटा तो फ्री है लेकिन ये कंपनियां जो खर्चा करके इतने सारे फाइबर केबल बिछाते हैं, डेटा सेंटर बनाते हैं, ये लोग उसी के लिए ये चार्ज करता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी जानने को मिला तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।